नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। क्या आप लोग पैर ऊपर करके स्कूटी को टर्न करना चाहते हैं? बट उससे पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके जो है वो मैंने इंक्लूड करी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तो आप भी स्कूटी पर पैर ऊपर करके एकदम सेफली टर्न कर जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत है आपका कार एंड स्कूटी ट्रेनिंग हब में। तो पैर ऊपर करके टर्न करने के लिए दोस्तों, पहले हम थ्योरी जान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बिना थ्योरी के आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी। जैसा कि आप लोग राइड कर रहे हैं, जो लोग पैर ऊपर करके चला रहे होंगे, और थोड़ा थोड़ा तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा वो स्टीयरिंग नहीं घुमा पा रहे होंगे, घुमा रहे होंगे, तो आपने एक फील किया होगा कि जहां कहीं भी आपको स्टीयरिंग को थोड़ा सा भी मूव करना होता है, वहां क्या करते हैं आप लोग, एक्सीलेटर को डाउन करते हैं, यानी कि अपने स्पीड को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, राइट? वही चीज आपको यहां पर करनी है, ठीक है? बहुत लोगों को देखते होंगे कि एकदम स्पीड में घुमा देता है ना? तो आपको शुरुआती दौर में वो चीजें नहीं करनी, आप भी घुमाइएगा, लेकिन थोड़ा परफेक्शन आने के बाद आपको ये फील हो जाए कि हाँ, इतना एक्सीलेटर हमने कम करा है तो स्टीयरिंग हमारा यहाँ पर घूम जाएगा, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका होल्डिंग पावर, है ना? होल्डिंग पावर को आपको बिल्ड करना होगा, तभी जाकर के आप स्कूटी को पैर ऊपर करके टर्न कर पाएंगे। होल्डिंग पावर मींस कि आपको स्टीयरिंग को जो है घुमा करके एक डायरेक्शन में रखना होगा। दूसरी चीज कि आपकी पैर जो है वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ कि जब आप स्टीयरिंग को होल्ड करके घुमाए हुए हैं तो आपका बॉडी इस तरह से झुकाव नहीं करना चाहिए। ये होल्डिंग पावर आपको अपने अंदर बिल्ड करना है, ठीक है? बट उससे पहले दोस्तों कि हम उसका प्रैक्टिस कैसे करें, टर्निंग के लिए आपको जरूरत है उसकी प्रैक्टिस, ठीक है? डायरेक्ट आपको टर्न के लिए टर्न में प्रैक्टिस नहीं करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सीलेटर के स्पीड को, माइनर ब्रेक से जो स्लो होता है, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी आइए हम जानते हैं कि एक्सीलेटर और ब्रेक का कॉम्बिनेशन के साथ हम स्कूटी पर पैर ऊपर कैसे करें, ताकि हमें पैर ऊपर करके स्कूटी टर्न करने का एक सही तरीका पता चले। तो पैर ऊपर करके चलाने के लिए जो है आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग इस तरह के खाली रोड में जो है इस प्रैक्टिस को करें, ठीक है? करना क्या है आपको, स्टार्ट किया, उसके बाद रेस दिए, रेस डाउन कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका पैर जो है वो कहाँ तक ऊपर रह पा रहा है, ठीक है? मेरा पैर यहाँ तक ऊपर रहा, ठीक है? उसके बाद फिर से घुमाइए, आप लंबा भी जा सकते हैं, ठीक है? बट माइक के डिस्टेंस को देखते हुए मैं यहीं से घुमा ले रहा हूँ। फिर से रेस दिया, उसके बाद रेस डाउन, उसके बाद वेट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक मेरा पैर जो है वो ऊपर रह पा रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों इस प्रैक्टिस को करिए, और इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको फिर जो है एक स्पीड बढ़ाना है, ठीक है? और स्पीड बढ़ा करके ये जो ब्रेक है, इस ब्रेक को एकदम माइनर, ज़्यादा नहीं, झटके में नहीं दबाना, एकदम माइनर ब्रेक, जहाँ पर हार्ड लगने लगे ब्रेक, वहाँ पर ब्रेक को मात्र हाफ सेकेंड होल्ड रख करके फिर उसको रिलीज कर दीजिए। करेंगे क्या, रेस दिया, रेस डाउन, हल्का सा ब्रेक, फिर ब्रेक रिलीज कर देंगे। इससे होगा क्या कि ब्रेक से आपको स्लो करने का भी आइडिया मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको चलते चलते इस प्रैक्टिस में चलते चलते जो है आपको एक्सीलेटर डाउन करना है और यू टर्न कर जाना है। यू टर्न करके फिर आपको इस तरह के लंबे रोड में एक्सीलेटर दे करके बढ़ना है, और इस तरह से आपको स्टीयरिंग को होल्ड रखना है, ठीक है? होल्ड रखना है। ये टर्न करने से पहले इस प्रैक्टिस को आप लोग एकदम बहुत बारीकी से करें, और पैर आप कोई भी पैर उतार सकते हैं, टर्न करते समय कोई भी पैर को आप उतार सकते हैं, ठीक है? नीचे कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको राइट वाला पैर नीचे करना है, लेफ्ट वाला करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और देखिए यहाँ से मैंने रेस दे करके गया, यहाँ से जा रहा हूँ, और जहाँ से टर्न करना है वहाँ एक्सीलेटर डाउन, पैर नीचे, और एक बार स्टीयरिंग घुमा करके आपको होल्ड रखना है। फिर आपको देखना है कि कहाँ तक जो है आपका स्कूटी रुक जा रहा है। देखिए मेरा स्कूटी पूरा टर्न नहीं हो पाया, यहीं पर रुक गया। अब दोबारा से मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से यू टर्न करके एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ, फिर से यहाँ से मैंने रेस दिया, और यहाँ एक्सीलेटर डाउन,
और फिर से पैर नीचे, और इस बार स्कूटी मेरा देखिए परफेक्टली टर्न कर गया। तो इस प्रैक्टिस को जो है आप लोग को दोहराना है, इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद जो है आपका ब्रेक पर भी पूरा जो है वो कमांड आ जाएगा और एक्सलेटर पर भी कमांड आ जाएगा कि जब आप टर्निंग में जब पैर ऊपर करके चले, अगर आपका स्कूटी ज्यादा फास्ट है तो आपको ब्रेक से भी स्लो करने, यानी ब्रेक कितनी देर तक आपको दबाना है उसका आइडिया होगा। ठीक है, अब हम लोग रोड पर आपको दिखाएंगे कि आपको रेस डाउन करना कहाँ पर है। ठीक है, तो यही रोड से हमें टर्न करना है। ठीक है, जब हम वहां से सीधा आ रहे हैं तो इस पॉइंट पर हमें एक्सलेटर को डाउन करना है। ध्यान रहे, इस पॉइंट पर आने के लिए आपका जो स्पीड है वो मैक्सिमम 10 से 15 का स्पीड होना चाहिए, तभी आप स्कूटी को इधर घुमा पाइएगा। ठीक है, वहाँ स्पीड कम करना है, और स्पीड कम करने के बाद एक बार जब स्टीयरिंग को घुमाए तो उस स्टीयरिंग को घुमा करके आपको होल्ड रखना है। दोस्तों, मैंने यहाँ से रेस दिया, ठीक है, और यहाँ जहाँ मैंने बताया था, यहाँ रेस डाउन, पैर ऊपर, स्टीयरिंग होल्ड, और फिर यहाँ रेस आपको दे देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसा ही हमने टर्न किया और रोड हमें सीधा दिखे, फिर उसके बाद तुरंत से रेस दीजिए। ठीक है, ये नहीं कि स्टीयरिंग को हमने घुमा दिया और घूम गया और उसके बाद फिर पैर नीचे कर दिए। ठीक है, आप तुरंत से रेस दीजिएगा, यानी जैसे स्टीयरिंग हमने घुमाया, स्टीयरिंग घुमा, रोड सीधा दिखा, फिर से आपको एक्सलेट कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह आपको करना है। वहां से जब हम लोग आए, ठीक है, यहां पर रेस डाउन किया, उसके बाद स्टीयरिंग घुमाया, घुमाने के बाद रोड क्या हुआ, एकदम से सीधा हो गया। ठीक है, तो जैसा ही आपका स्कूटी यहाँ पर पहुंच जाए उसके बाद आपको रेस देना है। ठीक है, अगर रेस नहीं दीजिएगा तो वहां से वहां तक स्कूटी यहाँ रनिंग आया है तो इसका स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ रेस देना है और उसके बाद आप कंटिन्यू स्कूटी को आगे लेकर के बढ़ जाइए। होप कि आप लोग अपना प्रैक्टिस जो है इसी तरह से करेंगे और आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे आपको किस चीज पर वीडियोस चाहिए, क्या प्रॉब्लम आप सभी की है, आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बता सकते हैं, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी के जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।